मुझे तो नहीं दिखा रहा है सर। सर अभी आए? यस ओके यस सर ओके सर। अच्छा सर चलो, अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो सर इनकम टैक्स क्लास है और इनकम टैक्स में हम लोग सर आज एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे सर। क्यों सर? बहुत दिन हो गया, सैलरी बहुत पढ़ ली, फिर पढ़ेंगे सर बाद में, ना फिर बाद में पढ़ेंगे, रिवाइज कर लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा मूव ऑन करते हैं सर। सैलरी सैलरी बहुत सैलरी ट्रीटमेंट हो चुका है सर। एक न्यू हेड्स में बात करेंगे, हाँ एक नया हेड्स में बात करेंगे। आज मैं आपके साथ हाउस प्रॉपर्टी हेड में बात करूँगा। किस हेड में बात करूँगा सर? हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है सर। हाउस प्रॉपर्टी में बेसिकली मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ सर? सर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सर। क्यों हर चीज़ में इम्पोर्टेंट लगा देते हो सर? इम्पोर्टेंट मैं ना सिर्फ एग्जाम के हिसाब से नहीं बोलता, मेरे हिसाब से हर चीज़ लाइफ के साथ इम्पोर्टेंट है। इसीलिए इंस्टीट्यूट भी आप लोगों को पढ़ाते हैं और रियल लाइफ में इसका ज़रूरत है तभी इंस्टीट्यूट आपको पढ़ाते हैं, है ना। गवर्नमेंट ने इसलिए लॉ बनाया है सर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसीलिए फॉर्म हुआ है। अगर इम्पोर्टेंट ना होता तो आप लोग शायद चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए मेहनत करने के बारे में नहीं सोच सकते, है ना सर। इम्पोर्टेंट है तभी ना सोचते हो। तो सर तो क्या सर, तो बात यही है कि हम लोग आज हाउस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे सर। हाउस प्रॉपर्टी के बारे में मैं फटाफट कुछ बातें आपको एक बार दिखा दूं सर। ये चैप्टर पढ़ने के पीछे का रीजन क्या है? ये जो हाउस प्रॉपर्टी हेड है, इस चैप्टर को क्यों पढ़े? बात को समझिएगा सर। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये बात तो आप लोग जानते हो ना सर कि हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होता है ना। हाउस प्रॉपर्टी से अच्छा खासा इनकम हो जाता है सर। अगर मैं आपको हेड्स ऑफ इनकम के ऊपर बात करूँ, जो मैंने रिसेंटली आप लोगों के सर मैंने सैलरी में बहुत सारा चर्चा कर लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ और भी क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा सैलरी रिलेटेड। आप लोग वो सब क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और सैलरी को रेडी करके टेस्ट दीजिए सर, ठीक है। सैलरी को रेडी करके सैलरी में टेस्ट दे दीजिए, यही मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा सैलरी चैप्टर को छान मारिए और सैलरी में टेस्ट दीजिए सर। सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 17, ठीक है। ऐसे लिखने में लगता है तीन सेक्शन, लेकिन अंदर अंदर में बहुत सारा चीज आप लोगों ने पढ़ा। सिमिलरली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 22 से लेके 27 तक, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बात इस तरह का है सर। 22 जो है सर वो चार्जिंग सेक्शन है, 25A, 27 ये सब आपका डीमिंग प्रोविजंस हैं। क्या प्रोविजन है सर? डीमिंग प्रोविजंस मतलब कुछ चीजें ऐसे थोड़ा डीम्ड मान लिया जाता है उसके बारे में है। 27 इज ऑल्सो 24 DDIP कॉन्सेप्ट डिडक्शंस, मतलब इनका हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शंस 24A और B बहुत पॉपुलर माना जाता है। 25 जो डिडक्शंस अवेलेबल नहीं है एंड अदर प्रोविजंस के अंदर 23, 26 ये सब है सर। सर क्या पढ़ेंगे क्या सर? हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का अगर मैं आपको प्रैक्टिकल यूज एक बार दिखाता हूँ, ठीक है। मेरा थोड़ा भूत है सर दिमाग में, भूत लगता है, भूत माने मेरे दिमाग में हमेशा हर चीज़ का प्रैक्टिकल चीज़ें चलता रहता है कि इसका क्या प्रैक्टिकल यूज है, तो मैं ढूंढता हूँ ऐसे प्रैक्टिकल यूज। तो किसी भी तरह से बताया जा सकता है। मैं आप लोगों को फटाक से लेके आ गया सर 99 एकर में, ठीक है सर। ये क्या है सर? ये एक बड़ा फेमस कंपनी का इन्फो एज बोल के कंपनी, उसी का एक साइट है। तो इसमें आप देख सकते हो कि प्रॉपर्टी बाय सेल होता है ना सर। तो यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी बाय सेल नहीं, अगर प्रॉपर्टी बाय सेल होता तो उसमें कैपिटल गेन होता है सर। प्रॉपर्टी बाय सेल होकर जो इनकम होता है ना सर, उसमें कैपिटल गेन होता है। वो नेक्स्ट चैप्टर आएगा, वो हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। प्रॉपर्टी बाय सेल करके कैपिटल गेन होता है वो PGPP एंड देन एक चैप्टर आएगा सर कैपिटल गेन, इसमें बात करेंगे। तो फिर अभी क्या करेंगे सर? अभी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मैंने हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम जनरेट होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो मेनली ये बाय सेल वाला इनकम नहीं है, ये रेंटेड वाला इनकम है। कैसा वाला इनकम है सर? रेंट वाला इनकम, मैंने प्रॉपर्टी को रेंट रेंट में देके हम लोग इनकम करते हैं। ओके सर, इसको बोलते हैं लेट आउट प्रॉपर्टी, मैंने प्रॉपर्टी जिसको हम लोग लेट आउट करते हैं, ठीक है। लेट आउट करके इनकम होते हैं। आप इंडिया भर में पूरा भारत में लेट आउट प्रॉपर्टी का डिमांड है ना। भाड़ा बहुत ही
इम्पोर्टेंट है। भाड़ा से याद आया, बैंगलोर में भाड़ा ऐसा हालत है सर, स्काई रॉकेटिंग है बैंगलोर में भाड़ा, मतलब क्या बताऊं सर, मतलब आम आदमी के बाहर है सर। बैंगलोर में इतना ज़्यादा हाई डिमांड चल रहा है, स्पेशली जब से कोरोना गया है उसके बाद से। सो आई होप कि आप आशा आप समझ सकते हो कि रेंट कितना इम्पोर्टेंट है। मैं एक न्यूज़ देख रहा था, चलो मैं आप लोगों को न्यूज़ शेयर करूँ सर, हाँ एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ बैंगलोर में क्या हालत है। आप देखोगे ना चौंक जाओगे सर, कि ऐसा सिचुएशन है कि रेंट से रेंट का इतना मैंने डिमांड हो सकता है। बैंगलोर ने भी शायद नहीं सोचा था, लेकिन बैंगलोर में मेनली ऐसा इसलिए हुआ है, मोस्ट प्रोबली ड्यू टू बिकॉज बैंगलोर में अभी जॉब क्रिएशन बहुत ज़्यादा है ना, स्पेशली आईटी बूमिंग वगैरह सब कुछ अभी आई, इसीलिए बैंगलोर में थोड़ा ज़्यादा ही सिचुएशन ऐसा हुआ है। बहुत ही एब्सर्ड टाइप में हुआ है सर, ठीक है, बहुत ही एब्सर्ड टाइप में हुआ है। आप भी चाहो तो ये न्यूज़ देख सकते हो, ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ the absurdity of Bangalore rent price and a cool summer stock everyday is talking about take minutes Bangalore dekho ye dekho ever since the pandemic theek hai the real estate sector has been on a tear but one place is particular of hogging much of them with Bangalore real estate and rental prices in Bangalore have been increasing at a record pace and everybody is trying to figure out why theek hai chalo ye to sab basically dekho why ke piche ek hi reason hai डिमांड टू मच सप्लाई उस हिसाब से कम तभी इतना स्काई रॉकेटिंग रेंट हो रहा है सर। तो इतना तो समझ में आ गया कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इसलिए पढ़ना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को इसलिए पढ़ना है क्योंकि रेंटेड इनकम का इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है। लेकिन सर अब मैं आपको और आ जाता हूँ सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर डिटेल्स चर्चा करने के। अब इसमें आप एक चीज़ में फोकस करो कि यहाँ पर हमें ये समझना है कि कब व्हेन इनकम इज चार्जेबल अंडर दिस एक्ट, मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कब इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है। अप्रिशिएट द मीनिंग ऑफ टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ कंपोजिट रेंट वगैरह क्या है। डिटरमाइन द एनुअल वैल्यू ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसको हम लोग एनुअल वैल्यू जीएवी एनएवी कैलकुलेशन का एक कॉन्सेप्ट है, बताता हूँ सर वही सब सीखना है। द मोस्ट ट्रिकी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर जीएवी एनएवी कैलकुलेशन, मेनली जीएवी द मोस्ट ट्रिकी पार्ट, ठीक है। इसी में ये जो हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर है ना सर, ये छोटा चैप्टर है, स्मॉल चैप्टर है, बट ये थोड़ा ट्रिकी है। कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, कॉम्प्रिहेंड एंड अप्लाई द टैक्स ट्रीटमेंट ऑन रिकवरी ऑफ द अनरियलाइज्ड रेंट एंड एरियर्स ऑफ रेंट, ठीक है, मैंने अगर कभी कोई रेंट मिलता नहीं है, ठीक है, अनरियलाइज्ड हो जाते हैं या रेंट बाकी रह जाता है, तब उसका क्या। को ओन्ड प्रॉपर्टी, अगर कोई एक साथ दो बंदा कंपनी किसी प्रॉपर्टी को ओन करता है, ठीक है, कंपनी को दिया, सॉरी सर, टू ओन्ड प्रॉपर्टी मतलब एक ही प्रॉपर्टी का दो या दो से ज्यादा मालिक है, तो उनके केस में प्रॉपर्टी का इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं टू ओन्ड प्रॉपर्टी। तो इसके ऊपर हम लोग कॉन्सेप्ट भी लेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है सर। तो बेसिकली इस चैप्टर का जो चार्जेबिलिटी है वो सेक्शन 22 है, सेक्शन 22। प्रोसेस ऑफ कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर दी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट विद द डिटरमिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। The concept of annual value and the method of determination is laid down in section 23. लेकिन किंतु परंतु सर डिटेल्स प्रोविजंस में जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सर आप मेरे साथ साथ लिख लो, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग मेरे साथ साथ थोड़ा लिख। चलो सर एकदम बेसिक कुछ बातें रिलेटेड टू हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, चलो सर लिखो। जो एकदम पहली पहली बार हाउस प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो उनको भी हेल्प हो जाएगा, और जिनका रिविजन वगैरह करना है उसका भी हेल्प हो जाएगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन क्या है सर, 22 से लेके 20 सर, सेक्शन 22 से लेके 20 सर, 22 से लेके 27, ठीक है, बीच में 26 25 है, ये सब नहीं है। तो 22 से लेके 27 जो हाउस प्रॉपर्टी का जो सेक्शन है, इसमें जो भी चीज़ें बोलता है वो सब तो धीरे धीरे चर्चा में आएगा सर। बट सबसे पहले ना आपको बेसिक्स एकदम बेसिक सा एक बात करना है सर कि सर आखिर हाउस प्रॉपर्टी क्या है। जो मैं आपको बता रहा था आपको समझ में आ गया है, बट कुछ बातें लिखना पड़ेगा, तो लिखो सर। इफ द रिलेशनशिप
between pair and payee. ठीक है, relationship between pair and payee is the relationship of landlord and tenant. Okay, if the relationship between payer and payee is the relationship of landlord and tenant, so basically कहना यही चाहता है सर कि house property income कभी arise होता है जब payer और payee के बीच में landlord और tenant वाला रिश्ता ready होता है, यानी एक बंदा जो landlord होगा मतलब जिसका घर होगा और एक बंदा tenant होगा मतलब जो basically भाड़ा लेने जा रहा है. आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ मैं. जैसे आप देख सकते हो कि ये देखो, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी साइट पे विजिट करोगे ना रेंटेड के लिए, तो आप यहाँ पर सर्च करो साथ को, सपोज से फॉर एग्जांपल आप कैसे साइट लेना चाहते हैं, ठीक है, से फॉर एग्जांपल आप नोएडा में चाहते हैं, मुंबई में चाहते हैं, ठीक है, चलो बैंगलोर साउथ बैंगलोर ईस्ट बैंगलोर, हम लोग बैंगलोर में रेंट ढूंढने जा रहे हैं सर, ठीक है, 2 BHK रेंट देगा 814 स्क्वायर फीट 13,000, ठीक है, मुझे पता नहीं है बैंगलोर का क्या सिचुएशन है मतलब कहाँ कौन सा जगह कैसा है, तो बेसिकली मैं बात इतना कहना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी रेंट के लिए सोचते हो, ठीक है, 966 स्क्वायर फीट 1000 स्क्वायर फीट 21,000 पर मंथ डिपॉजिट 80,000, 80,000 का डिपॉजिट लेगा आपसे सिक्योरिटी मनी 2 BHK, ठीक है, 1000 स्क्वायर फीट आपको 21,000 भाड़ा पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा है सर काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट कोलकाता से 8-9,000 ज़्यादा है, ठीक है, 8-9,000 ज़्यादा है, मैं अगर कोलकाता के एवरेज प्राइस के हिसाब से बोल रहा हूँ. हाँ, ये पे डिपेंड करता है, कोलकाता में भी न्यू टाउन साइड में थोड़ा भाड़ा ज़्यादा है, बट फिर भी इससे कम ही होगा, इससे कम ही है, आप कंपेयर कर सकते हो. सर अब यहाँ पर जो भाड़ा दे रहा है, ठीक है, जिनका घर है वो कौन है, वो लैंडलॉर्ड है, जो भाड़ा लेगा वो टेनेंट है, इतना तो सबको पता है, अब इसमें मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस इतना ही बता दे रहा सर. If the relationship between the payer and payee, तो payer जो है pay करेगा, payee जो receive करेगा, तो payer and payee is the relationship of landlord and tenant. अब लिखो जरा any amount received is chargeable under the head house property. Any amount received is chargeable under the head head house property. अब एक काम करो सर, एक छोटा सा घर बनाओ, तो एक छोटा सा घर बनाओ, घर बनाना आता है सर मेरे को, एक ही ड्राइंग आता है वो है घर बना दो, और कुछ नहीं आता है सर. घर बना सकते हैं, पहाड़ बना सकते हैं, ठीक है, बचपन वाला वो होता है ना वैसा टाइप का, तो मैं एक घर बना रहा हूँ, पता नहीं घर कितना सुंदर होगा, पर थोड़ा घर घर जैसा देखने में ही होगा सर. अरे वाह, ऐसा घर तो बड़े बड़े आर्किटेक्ट भी डिजाइन नहीं कर सकता मैं जितना सुंदर डिजाइन कर दिया सर. खिड़की खिड़की भी दिखा देते हैं, ये रहा विंडो, सर घर बनाना जरूरी है ना सर, जरूरी है, करो ना, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ चीज़ें बताऊंगा मैं, थोड़ी ना ड्राइंग टीचर हूँ ड्राइंग थोड़ी सिखाना है, ठीक है सर, बहुत होगा, चलो अब आगे बताऊँ. अब सर मानो कि इस घर का 3 हिस्सा है, कितना हिस्सा है सर, 3 हिस्सा है, ठीक है, ये 3 हिस्सा हो गए, मैं इधर भी 2 पार्ट बना लिया ना सर, एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर, ये सब गेट है सर, और एक पार्ट इधर, 3 हिस्सा है सर. इस हिस्से में क्या होने वाला है सर, कुछ नहीं, घर के ऊपर ना एक एंटीना लगा दो, एंटीना माने वो डिश टीवी वगैरह होता है ना वैसा कुछ, और घर के ऊपर एक इंसान को ड्रा कर दो जो अपना डिश टीवी ठीक करने गया है. अरे वाह, तो नाच रहा है सर, अरे वाह, मस्त मस्त नाच रहा है सर. सर इसका घर है पता नहीं, बट नाच रहा है सर. इसमें ना 3 हिस्सा है सर, कितना हिस्सा है, 3,
पहला हिस्सा जो बड़ा हिस्सा है ये सर सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्ट है. क्या पार्ट है सर? सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्ट. ओके, शुरू शुरू में मैं थोड़ा सा ऐसे धीमे धीमे चलता हूँ, उसके बाद तो स्पीड पकड़ लेते हैं ना सर. इसके बाद स्पीड पकड़ लेंगे, पहले थोड़ा धीमा धीमा चल लेते. एसओ, एसओ माने सेल्फ ऑक्यूपाइड. फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड माने इस हिस्से में बंदा रह रहा है, खुद का घर है, खुद रहते हैं. कौन? ये जो नाच रहा है छत पे उठ के, ठीक है, छत पे उठ के नाच रहा है. अच्छा, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्ट है. और इसमें ये पार्ट देख रहे हो सर, ये जो सेकेंड हिस्सा, ठीक है, इसका थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसको थोड़ा मैं ग्रीन बना दिया. ये ग्रीन पार्ट जो है ना सर, ये उन्होंने ना लेट आउट कर दिया, किसी को भाड़े पे दे दिया. दिस इज द लेट आउट पार्ट, येलो, ठीक है. तो ये हो गया एसओ, ये हो गया येलो. येलो माने लेट आउट सर, लेट आउट. और एक एरिया बनाना पड़ेगा सर, तीन टोटल तीन एरिया है. ठीक है, एसओ हो गया, एक येलो हो गया, और एक मैं ब्लू एरिया बना रहा हूँ. ठीक है, ये जो ब्लू पार्ट है दिस इज अ यूज्ड फॉर पीजीबीपी पर्पस, माने प्रॉफिट, सॉरी पीजीबीपी नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस. ठीक है, खुद यूज करते हैं सर. इसमें ये जो दो हिस्सा है ना, लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड, ये दोनों हिस्से को थोड़ा देखो, लेट आउट पार्ट एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्ट. ये दोनों हिस्सा मिलके this one and this one, ये दोनों पार्ट मिलके आपका हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर का पार्ट है. ये आपका हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर है, और ये जो पार्ट आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो ना, ये हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं है, ये आपका पीजीपीपी का पार्ट है. मैंने पीजीपीपी माने प्रॉफिट्स एंड गेन्स इन बिजनेस एंड प्रोफेशंस, इस हेड में आता है. माने अपने ही घर में अगर आप किसी पार्ट में बिजनेस कर रहे हो, तो वो बिजनेस से जो इनकम होगा वो पीजीपीपी में जाएगा, भले ही आप हाउस प्रॉपर्टी को यूज करके कर रहे हो. लेकिन अगर हाउस प्रॉपर्टी में आप सेल्फ ऑक्यूपाइड करके रहते भी हो, और अगर आप हाउस प्रॉपर्टी में लेट आउट करते हो, ठीक है, तो ये दोनों हिस्सा एक्चुअली आपका इनकम अंडर डी एट हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट है, जो सेक्शन 22 से लेके 27 का हिस्सा को कवर करता है. पहले मुझे बस इतना बता दो, क्या ये बात आपको समझ में आया? भले ही एक तीसरा हिस्सा में आप बिजनेस करते हो उसी घर में, लेकिन वो हिस्सा आपका हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर का पार्ट नहीं है, वो आपका पीजीपीपी का पार्ट है. और पीजीपीपी में इस घर को यूज करके जो भी बिजनेस करके कमाओगे, वो बिजनेस इनकम अलग से कैलकुलेशन होता है पीजीपीपी के हिसाब से. दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी. और हाउस प्रॉपर्टी में बेसिकली सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्ट एंड लेट आउट पार्ट, इन दोनों को दिमाग में रखा जाता है. हेलो, बात समझ में आया सर? बोलो सर, थोड़ा सा इतना बता दो मुझे, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गया? यस सर, नो, कुछ तो बताओ सर. नील, नवन, नील, ओके, तनोन, yes, sir. समझ में आ रहा है सर? शालिनी, ओके सर, ठीक है. अच्छा, एक छोटा सा प्रोफार्मा भी बना लो, ऐसे बाद में प्रोफार्मा में आपको क्वेश्चंस कराते हुए ज्यादा करवाऊंगा, बट एक छोटा सा प्रोफार्मा बना लो जिसमें आपको एक आइडिया लग जाएगा. ठीक है, एक आइडिया लग जाएगा कि आखिर हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशंस करने के लिए आपको क्या क्या चीजें बेसिकली देखना चाहिए. तो स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन, स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर दी करेंट प्रीवियस ईयर, जो चल रहा है वो दे दो सर, फॉर दी प्रीवियस ईयर 22-23, ओके, असेसमेंट ईयर 23-24, जो करेंटली चल रहा है वो वही दे दिया. फॉर्मली जिस साल का इनकम है उसी साल को फॉर्मेट में दिया जाता है. अब यहाँ पर आप ना एक पर्टिकुलर दे दो,
एक पर्टिकुलर का कॉलम बना दो और आप एक लेट आउट का एज वेल एज सेल्फ ऑक्यूपाइड का दो हिस्सा बना, ठीक है, एक लेट आउट का हिस्सा, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड का हिस्सा बना लिए सर, एक लेट आउट का हिस्सा, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड का हिस्सा, इतना बना लो सर। हेलो, ऐसा करता हूँ कि आप लोग बना लिए, ड्रॉ कर लिया सर फॉर्मेट का स्ट्रक्चर, द वेरी बेसिक स्ट्रक्चर। लो हो गया ना सर, बोलो आयन का कोई आवाज नहीं आ रहा है, आयन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर। ओके सर, ठीक है सर, एक सेकंड थोड़ा सा बोलो बताता हूँ। अब इसमें ना एक्चुअली पूरा फॉर्मेट तो मैं अभी आपको नहीं दे रहा हूँ, अभी मैं जस्ट आपको एक छोटा सा हिस्सा बता रहा हूँ कि एक्चुअल में हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशन करने के टाइम पे आपको मेनली क्या क्या चीज़ पे ध्यान रखना पड़ता है। जैसे तो ये बड़ा लंबा चौड़ा डिस्कशन होगा जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा धीरे धीरे, बट अभी मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर दे रहा हूँ जिसमें आपको इतना तो आइडिया लग जाएगा, अच्छा हाउस प्रॉपर्टी करने के लिए बेसिकली ये समझना पड़ता है, ठीक है। तो मैं वही बेसिक स्ट्रक्चर ही अभी आपके साथ थोड़ा डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो लिखो सर थोड़ा सा, इसमें आप ना एक काम करो, बेसिकली यहाँ पर आप लिख दो कॉम्प्यूटेशन ऑफ जीएबी, कॉम्प्यूटेशन ऑफ जीएबी माने सर, जीएबी माने होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है, फुल फॉर्म। अभी तो माने तो मैं अभी आपको सिखाऊंगा, जीएबी का माने मैं आपको सिखाऊंगा सर, ठीक है। क्या सर जीएबी का माने ना ऐसे नहीं समझ में आएगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो क्या होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ये मैं आपको बहुत जल्दी सिखाने वाला हूँ, लेकिन अभी फिलहाल ना आप लिखो कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू या कॉम्पिटिशन ऑफ जीएबी लिख के अब जस्ट नीचे लिख दो जीएबी, ठीक है, जीएबी। अब लेट आउट के घर में आप ना कुछ अमाउंट के जैसा पुट करो, यानी डमी डमी होता है ना, डमी माने जस्ट डमी नंबर, ठीक है, डमी नंबर, नॉट ए रियल नंबर, डमी नंबर। ये हो गया जीएबी सर। एक्चुअली जीएबी से आपको ना जीएबी कैलकुलेशन ये नहीं है सर, जीएबी क्वेश्चंस में कभी कभी बोल देता है बट ज्यादातर केस में नहीं बोलता है। तो अगर बोल दिया तो ठीक है, नहीं बोलेगा बिकॉज वही चैलेंजेस है, नहीं बोलता है। तो आपको जीएबी कैलकुलेट करना है, फिर वहां से म्यूनिसिपल टैक्स वगैरह जो है जो पे करता है ओनर, ठीक है, जीएबी से म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर, पेड बाय द ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में ओनर अपने घर का मतलब बेसिकली जो अमाउंट वो पे करता है टैक्स, वो अमाउंट माइनस करना पड़ता है, म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर उसको माइनस करना पड़ता है, फिर जाके आपको एक्चुअली मिलता है एनएबी। क्या मिलता है सर? इन इसका क्या फुल फॉर्म है? जैसे जीएबी का फुल फॉर्म है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, एनएबी का फुल फॉर्म है नेट एनुअल वैल्यू। एनएबी का फुल फॉर्म क्या है सर? नेट एनुअल, ठीक है। अब ये जो नेट एनुअल वैल्यू मैं आपको लिखा जा, इस नेट एनुअल वैल्यू से एक डिडक्शंस मिलता है सर। पहला डिडक्शंस दे दो सर, स्टैंडर्ड डिडक्शंस, पहला डिडक्शन दे दो स्टैंडर्ड डिडक्शंस, लेस
ठीक है, लेस करके लिखो स्टैंडर्ड डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 ए, ठीक है, अंडर सेक्शन 24 ए के तहत आपको डिडक्शंस अवेलेबल है। आप एक काम करो, जो भी डिडक्शंस आपको मिलेगा ना, इसको आप इनर कॉलम में रखो, ठीक है, इनर कॉलम में रखो। और एक यहाँ से आप और एक अमाउंट आप माइनस कर सकते हो, उन्हें माइनस कर सकते हो, उन्हें माइनस करने का मौका मिलता है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। क्या है सर? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ठीक है। बोरोड माने बोरो करना, माने क्या होते हैं सर? जब हम किसी से लोन लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? बोरो करना, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, जो हम बोरो करते हैं, दूसरे से उधार लेते हैं, बेसिकली बैंक लोन वगैरह है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। जो भी अमाउंट आप इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में जो भी अमाउंट आप लेते हो, पूरा का पूरा अमाउंट आप माइनस कर सकते हो। नॉर्मली इसमें दो केस है, एक है आपका लेट आउट के केस में और एक है आपका सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में। तो यहाँ पर ना मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ सर, कि अगर आप लेट आउट के केस में करते हो तो अनलिमिटेड अमाउंट ले सकते हो विदाउट एनी लिमिट। लेट आउट के केस में आपको कोई लिमिट नहीं है सर, आप अनलिमिटेड अमाउंट एक्चुअली ले सकते हो। जितना इंटरेस्ट आप भरोगे उतना अमाउंट आप माइनस कर सकते हो अपनी इनकम से। यस सर, मजाक नहीं करता, इसका कैलकुलेशन आगे सिखाऊंगा आपको कि बोरोड कैपिटल का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है। बट आप करंटली आप इतना लिख लो, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 24 सबसेक्शन बी के तहत आप जितना इंटरेस्ट लोन का इंटरेस्ट, जितना इंटरेस्ट आप भरोगे उतना इंटरेस्ट आपको पूरा का पूरा अमाउंट अलाउ करने देता है विदाउट एनी लिमिट, विदाउट एनी सेलिंग लिमिट। ये किस चीज के लिए बोल रहा हूँ मैं? लेट आउट के लिए बोल रहा हूँ, फॉर द लेट आउट प्रॉपर्टी, मैंने जो प्रॉपर्टी आप एक्चुअली भाड़ा देके कमा रहे हो उस प्रॉपर्टी के लेके आपको पूरा का पूरा अमाउंट माइनस करने का मौका मिलेगा विदाउट एनी सेलिंग लिमिट। बात समझ में आ रहा है? विदाउट एनी सेलिंग लिमिट। आप एक काम कर सकते हो, दोनों अमाउंट को ना आप बाहर भी लिख दो सर, ठीक है, बाहर भी लिख। ये दोनों बहुत ही वाइटल का कॉन्सेप्ट है सर। एक आपका डिडक्शंस, डिडक्शंस में ज्यादा कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड डिडक्शंस एट द रेट 30% ऑन एनएवी। अच्छा, मैं अमाउंट देना भूल गया, एक काम करता हूँ, यहाँ पर ना इसको आप लिख दो एट द रेट 24A के बाद ना एट द रेट 30% ऑफ एनएवी, ये लिख के रखो। ये स्टैंडर्ड रेट है, ये स्टैंडर्ड रेट है, बहुत दिनों से चले आ रहे हैं, यही चलता है। जो भी आपका एनएवी वैल्यू निकलेगा ना, जो भी आपका एनएवी वैल्यू आएगा, एनएवी वैल्यू के ऊपर एक्चुअली आपका स्टैंडर्ड डिडक्शंस का अमाउंट पुट किया जाता है। और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जो है उसमें भी 24B के तहत जितना इंटरेस्ट भरोगे उतना पूरा का पूरा अमाउंट माइनस किया जाने का मौका मिलता है। सर ये तो हो गया लेट आउट के केस में, लेकिन आप इतना तो बता दो सर कि अगर सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में क्या होता है? सर एक्चुअली सेल्फ ऑक्युपाइड में मैंने एक चीज यहाँ पर अमाउंट बोल दिया था, सॉरी सर, गलती से लिख दिया। सेल्फ ऑक्युपाइड में ये सारा डेटा नील होता है, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का जीएबी नील होता है सर। आप लोग अगर बाई चांस कोई अमाउंट का डमी अमाउंट लिख दिए थे तो उसको ना कार्ड हो सकता, ठीक है, मैं थोड़ा बोलते गलती से बोल दिया। ये जो ये अमाउंट का डमी कॉन्सेप्ट है ना, तो इसको ये लेट आउट में ठीक है, सेल्फ ऑक्युपाइड में नील लिख दो सर, ठीक है, नील माने जीरो। सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का किसी भी तरह का जीएबी नहीं होता है, और बाकी हर एक चीज, ठीक है, हर चीज माइनस यहाँ पर नील होगा, ठीक है, म्यूनिसिपल टैक्सेस, ठीक है, ये सारे चीजें आप यहाँ पर नील ही रखो। सिर्फ एक जगह में आके यहाँ पर आपको कुछ अमाउंट मिलेगा, एनएबी भी नील ही होता है, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का नेट एनुअल वैल्यू भी नील होता है सर। इसके केस में स्टैंडर्ड डिडक्शंस भी कुछ नहीं मिलता, बिकॉज एनएबी के ऊपर होता है ना, तो एनएबी अगर कुछ नहीं है तो फिर स्टैंडर्ड डिडक्शंस क्या मिलेगा? लेकिन इसमें आपको दो चीज मिलता है, दैट इज दो नहीं एक चीज, दैट इज इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इसमें भी दो लिमिट है, इसमें भी दो लिमिट है सर। दो लिमिट किस तरह से? सर दो लिमिट इस तरह से, एक हो गया आपका या तो 30,000 या तो 30,000 या तो 2,00,000 सर, ऐसा कैसा कॉन्सेप्ट, या तो 30,000 या तो 2,00,000। ये सर इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इज नॉट डिडक्टेबल, डिडक्शंस फ्रॉम नेट एनुअल वैल्यू, ये देखो सर यहाँ पर मैं आपको यही चीज लिखा रहा हूँ, मैक्सिमम 30,000 फॉर वन और टू सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टीज एंड मैक्सिमम 2,00,000 फॉर वन और टू सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टीज। या तो एक घर के लिए या तो दो घर के लिए मैक्सिमम अवेलेबल हो सकता है
ये आपको मैं आगे आगे बताता हूँ, ठीक है। तो सर अब सवाल ये उठता है, सर 30,000 कब होगा या फिर 2 लाख कब होगा, ये चीज मैं आपको आगे आगे बताता हूँ, ठीक है। ये चीज मैं आपको आगे आगे बताता हूँ सर। ये एक्चुअली ना लोन कब लिया है उसके ऊपर डिपेंड करता है, लोन कब लिया गया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने लोन क्या 1499 के पहले है या 1499 के बाद है, इस पे डिपेंड करता है। मैंने आपने अपना घर बनाने के लिए, बात को समझे सर, बात को समझे, ये जो घर हम लोगों ने बनाया था, ये घर मानो मैंने लोन लेके बनाया, ध्यान से सुनना, ये घर मैंने मानो लोन लेके बनाया और लोन लेने के बाद मैं उसमें खुद भी रह रहा हूँ, लेट आउट भी कर रहा हूँ और एक हिस्से में मैं बिजनेस के लिए भी यूज कर रहा हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। तो अगर जिस हिस्से में मैं लेट आउट कर रहा हूँ वही वाला प्रॉपर्टी, मैंने लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी जो है इसी में मेन बात है। लेट आउट के केस में जितना लोन भरोगे पूरा का पूरा अमाउंट आप इंटरेस्ट माइनस कर सकते हो, लेकिन सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में कुछ कंडीशन है। लोन कब लिया, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मैक्सिमम कितना अमाउंट डिडक्शन के तौर पर मिलेगा। अगर लोन 1499 माने 1499, ओके 1499 के पहले का है तो 30,000 तक आप मैक्सिमम ले सकते हैं फॉर वन और टू सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टीज। अगर लोन 1499 के बाद है उसमें कुछ कंडीशन फुलफिल करना पड़ता है, मैं आपको लिखा दूंगा। एक्विजिशंस और कंस्ट्रक्शंस कंप्लीटेड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द कैपिटल वाज बोरोड प्लस सर्टिफिकेट फ्रॉम लेंडर स्पेसिफाइंग इंटरेस्ट पेबल। ये दोनों चीज अगर फुलफिल होता है, ठीक है, तो जाके आप 2 लाख तक का मैक्सिमम लिमिट ले सकते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों चीज फुलफिल नहीं होता है, देन मैक्सिमम 30,000 ही ले पाओगे। अगर ये दोनों चीज ठीक ठाक से फुलफिल होता है तभी जाके मैक्सिमम 2 लाख ले सकते हैं। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, लोन 1499 के बाद लेना पड़ेगा। अगर आपको 30,000 की जगह 2 लाख का डिडक्शन मैक्सिमम, अच्छा 2 लाख मैंने क्या सच में 2 लाख सर, अगर किसी का इंटरेस्ट का वैल्यू 1.5 लाख है तो 1.5 लाख मिलेगा, तब 2 लाख नहीं मिलेगा। मानो कि आपने इंटरेस्ट भरा 1.5 लाख और आपका मैक्सिमम वैल्यू है 2 लाख तो 1.5 लाख मिलेगा। मानो आपने इंटरेस्ट भर दिया 2.5 लाख, ठीक है, 2,50,000, तो 2,50,000 का इंटरेस्ट भरा है तो फिर मैक्सिमम 2 लाख मिलेगा, ठीक है। डिपेंड करते हैं आपका लोन अमाउंट कितना है वो सब चीजों पर, लेकिन इसमें भी कंडीशन है। अगर लोन 1499 के बाद है, इफ लोन इज टेकन ऑन और आफ्टर 1499 और लोन जो है वो घर बनाने के लिए लिया गया है, घर बनाना या फिर या तो आप घर बनाओगे या तो फ्लैट एक्विजिशंस करोगे, है ना, कंस्ट्रक्शन करोगे या फ्लैट ले लोगे, जो भी करो, बात घर के लिए है। घर फ्लैट भी हो सकता है, नॉर्मली सिटी वगैरह में लोग फ्लैट में ज्यादा रहते हैं, है ना, गांव साइड में लोग घर में रहते हैं, छोटा शहर में लोग घर में रहते हैं, है ना। तो एक्विजिशंस और कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, लोन लेने के 5 साल के अंदर आपको घर बनाना कंप्लीट करना पड़ेगा, ये पहला कंडीशन है, ठीक है। मतलब एक्चुअली पहला कंडीशन लोन 1499, सेकंड कंडीशन 5 साल के अंदर घर कंप्लीट होना चाहिए और उसके साथ साथ सर्टिफिकेट फ्रॉम लेंडर, लेंडर से मैंने जो लोन आपको प्रोवाइड किया है, मैंने बैंक बेसिकली, ठीक है, बैंक का सर्टिफिकेशन कि भाई इन्होंने इंटरेस्ट ठीक ठाक से पे किया है, ठीक है, इंटरेस्ट पेबल का सर्टिफिकेशन ठीक ठाक से दे रहा, सर्टिफिकेट फ्रॉम लेंडर स्पेसिफाइंग इंटरेस्ट पेबल कि कितना इंटरेस्ट आपका पेबल है, इसका सर्टिफिकेट बेसिकली जो आपको लोन दिया है उससे आपको मिलना चाहिए, ठीक है, चाहे वो बैंक हो या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो जो आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है। अगर ये सर्टिफिकेट और ये सारा कंडीशन ठीक ठाक से मैच करता है तो जाके आप मैक्सिमम 2 लाख तक कर सकते हो। अगर ये तो ये सब नहीं मिलता है तो आप मैक्सिमम 30,000 ही डिडक्शन दे सकते हो। मैं फिर से बात करूंगा सर, ये जो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ ये सब मैं फिर से बात करूंगा, लेकिन अभी मैं आपको एकदम बेसिक सा बात कर रहा हूँ, आपको ओनली सिंपल तरीके से अंडरस्टैंड कराने के लिए कि सर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल लेट आउट प्रॉपर्टी में अनलिमिटेड अमाउंट जितना पे करोगे उतना, लेकिन अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए है इसमें भी आपको लोन में छूट मिलता है, इसमें भी आपको लोन के इंटरेस्ट में छूट मिलता है, लोन में मैंने लोन के इंटरेस्ट में, मैंने लोन अच्छा है, हाँ सर लोन अच्छा है, ठीक है, लोन अच्छा है सर, ये लोगों की जरूरत है घर, ठीक है, इसीलिए ये लोन और लोन में दिया हुआ इंटरेस्ट गवर्नमेंट आपको छूट देता है। इसमें आप मैक्सिमम या तो 30,000 का ले सकते हो या फिर मैक्सिमम 2 लाख का ले सकते हो, है ना सर। तो 30,000 कब होगा, 2 लाख कब होगा, मैं अभी आपको पढ़ के सुनाया, लिखा भी देता हूँ सर, ठीक है, ये सब कुछ कंडीशन। तो फिर एक चीज आप फिर से देखो सर, वन थिंग वन सेकेंड, लुक सर,
लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में जितना इंटरेस्ट भरोगे पूरा का पूरा, सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में लिमिट है, ठीक है, सीलिंग लिमिट है, सीलिंग मैंने एक लिमिटेशन दिया गया है। सेल्फ ऑक्युपाइड का कोई जीएबी एनएबी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उसका कोई भाड़ा थोड़ी होता है। सेल्फ ऑक्युपाइड मैंने खुद रहते हो तो उसमें क्या बनाओगे। तो कहने का मतलब बस इतना है, इनकम लेट आउट से होता है, सेल्फ ऑक्युपाइड से थोड़ी इनकम होता है। हम लोग जिस घर में रहते हैं वहां से थोड़ी ना कमाते हैं सर, जिस घर में हम लोग खुद रहते हैं वहां से थोड़ी कमाया जाता है, वो इनकम नहीं होता। लेकिन उसमें भी आपको एक बेनिफिट है, आप लोन का इंटरेस्ट का बेनिफिट ले सकते। तो जब आप लोग इनकम टैक्स पे करोगे तो आपका टैक्स कंसल्टेंट आपको पूछता है, घर है, घर का लोन है, पूछता है, पूछा है कभी किसी ने, एक्सपीरियंस है सर? अगर एक्सपीरियंस करोगे ना तो पूछेगा टैक्स कंसल्टेंट कि घर लिए हैं, लोन पे है क्या, कितना इंटरेस्ट भरते हो, लोन का अमाउंट क्या है, बता देना चाहिए। इसमें आपको टैक्स में बेनिफिट मिल जाता है। ये सब एडजस्टमेंट करके आपका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम आएगा, ये सब एडजस्टमेंट करके हाउस प्रॉपर्टी का इनकम आ जाएगा। कितना आएगा सर? सर जो भी हिसाब करके आएगा उतना आएगा, फिलहाल तो कोई हिसाब नहीं है, आप बस इतना कर दो, या तो इनकम होगा या तो लॉस होगा। यस सर, हाउस प्रॉपर्टी लॉस भी हो सकता है, अगर नेगेटिव इनकम हुआ तो लॉस, अगर पॉजिटिव हुआ तो प्रॉफिट। तो इनकम अंडर द हेड हाउस, ठीक है, इनकम अंडर द हेड हाउस, लेट आउट के केस में जो भी होगा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और सेल्फ ऑक्युपाइड ऑलवेज नेगेटिव भी होता है। सेल्फ ऑक्युपाइड ऑलवेज नेगेटिव ही होगा सर, क्यों? क्योंकि सेल्फ ऑक्युपाइड में इनकम कहाँ है? सेल्फ ऑक्युपाइड में तो सिर्फ पेमेंट है, तो ये हमेशा लॉस में ही नजर आता है। ये लॉस भी हो सकता है, इनकम भी हो सकता है, लेट आउट से लॉस भी हो सकता है, इनकम भी हो सकता है, बट सेल्फ ऑक्युपाइड ऑलवेज आपको खर्चा ही दिखाता है। सेल्फ ऑक्युपाइड ऑलवेज आपको खर्चा ही दिखाता है, अगर लोन है उसका इंटरेस्ट है तो, अदरवाइज कोई काम नहीं है सर, अदरवाइज कोई काम नहीं है, सब नील वैल्यू। सर बोलो, यहां तक बात समझ में आया? अरे यहां तक का बात समझ में आया? एक चीज मैंने अभी तक सिखाया नहीं सर, जीएबी कैलकुलेशंस आएंगे सर, जीएबी कैलकुलेशन सिखाएंगे, बट मुझे इतना बता दो कि यहां तक मैंने आपको जितना बताया क्या आप लोग समझ पाए सर? আচ্ছা, সেলফ অকুপাইড ক্ষেত্রে একটা ট্যাক্স তো দিতে হয়, সেইটা কি হয়? মানে মিউনিসিপ্যালিটি বা কর্পোরেশন, ওটা ওটা হাউস প্রপার্টির মানে ইনকাম ট্যাক্সের আন্ডারে পড়ে। তো তুমি যে তোমার প্রপার্টি ট্যাক্স যেটা দিচ্ছ ওটা ইনকাম ট্যাক্সে, ওটার কোনো ইনকাম ট্যাক্সে ওটার কোনো ট্রিটমেন্ট নেই। ও কিন্তু বেনিফিটও পাওয়া যায়। কিন্তু লেট আউট প্রপার্টির ক্ষেত্রে মিউনিসিপাল ট্যাক্স যেটা দেবে সেটার ভ্যালুয়েশন তুমি পাবে, ঠিক আছে? বুঝতে পারলে তো? হ্যাঁ স্যার। প্লিজ লিখে ইয়াহ পর ইন্টারেস্ট অন বরোড, अभी आपको जो चीज बता रहा था उसी को मैं थोड़ा सा शॉर्टकट करके लिखा रहता हूँ, ठीक है? सही चीज मैं आपको अभी बता रहा था, मैं बस उसको शॉर्टकट करके लिखा रहा हूँ। तो इन केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी, ठीक है, इन केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी इंटरेस्ट ऑन borrowed capital will be interest on borrowed capital will be allowed as deduction, allowed as deductions without any limitation, ठीक है, without any limitation, जितना भरोगे उतना, लेकिन हाँ कैलकुलेशन का टेक्निक है आगे सिखाऊंगा।
इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का कैलकुलेशन टेक्निक आगे आगे सिखाऊंगा. वॉट एवर अमाउंट is paid is eligible for deduction, is eligible for या फिर आप ऐसे लिख सकते हो without any ceiling limit, is eligible for deduction. या फिर ऐसे भी लिख सकते हो eligible for ceiling limit without any ceiling limit. ceiling माने कोई छत नहीं है, मैंने कोई लिमिट नहीं, ठीक है, बियॉन्ड से नहीं. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, नोट डाउन करना. सेल्फ ऑक्यूपाइड में जरा लिखिए, ये हो गया लेट आउट के केस में, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इन केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी, पॉइंट टू बी नोटेड सर, इन केस ऑफ लेट आउट, ठीक है. आगे देखो सर, इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड, इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो सर सेल्फ ऑक्यूपाइड में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन borrowed capital will be allowed as, interest on borrowed capital will be allowed as deductions, will be allowed as deductions. देखो deductions up to rupees 30,000, ठीक है. नॉर्मली आप तो रुपीज 30,000, इसमें थोड़ा सा और लिखो इसी पॉइंट को, थोड़ा सा मतलब पेन चेंज कर लेता हूँ, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 30,000 कैन बी एक्सटेंडेड, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 30,000 कैन बी एक्सटेंडेड, कितना एक्सटेंड कर सकता है सर बोलो, मैं ऑलरेडी पढ़ा दिया था. मैक्सिमम 2 लाख तक एक्सटेंड हो सकता है, नॉर्मली 30,000 मैक्सिमम 2 लाख तक एक्सटेंड इफ द फॉलोइंग कंडीशंस ठीक है सर. अभी सवाल ये उठता है सर, क्या क्या फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा. कंडीशन वन, कंडीशन क्या, कंडीशन पहला कंडीशन ये लिखो, लोन मस्ट बी बोरोड, लोन मस्ट बी बोरोड ऑन और आफ्टर 1/4/1999 के बाद आपको लोन लेना पड़ेगा, तभी जाके सर. आजकल तो सर 1/4/99 ही होगा, नहीं सर, अगर किसी का पुराना लोन चल रहा है तो लोन अमाउंट बड़ा लंबा समय के लिए चलता है सर. हाउसिंग लोन का अगर आप 10 ईयर देखोगे तो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक देखने को मिलता है, ठीक है, 30 ईयर्स तक भी देखने को मिलता है सर. इंसान का जिंदगी खत्म हो जाएगा तो. हाँ सर, ऐसा ही तो होता है,
The loan must be borrowed on or after 1/4/1999. Okay. ड्रीम होम बनाना है ना लोगों को, सबका एक ही सपना है, एक अच्छा सा घर हो, घर के सामने गाड़ी हो, हाँ यही तो सब सपना देखते हैं। सपना भी हम लोग आजकल ऐसा ही हो गया सर, घर और गाड़ी, और गाड़ी गाड़ी बाड़ी के बाहर हम लोग कुछ सोच भी नहीं सकते, जो भी हो समय का मांग है। अच्छा, तो लोन मस्ट बी बोरोड ऑन और आफ्टर 1/4/1990। सेकेंड कंडीशन टू, loan must be borrowed for construction or acquisition. Acquisition माने सर, तो normally घर होगा तो बनाओगे, और flat होगा तो normally builder घर बनाते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, एक्विजिशंस करते हैं। सिटी सिटी में ऐसा ही होता है, शहर वगैरह में ऐसा ही ज़्यादा देखने को मिलता है। शहर में लोगों का पर्सनल घर कितना है सर, 10% लोगों का, जो पुराना लोग हैं उनके, उनके अलावा बाकी किसी के पास पर्सनल घर नहीं होता है। उस एरिया का जो पुराने लोग हैं, मतलब जो वहीं के हैं, उन्हीं का तो नॉर्मली देखने को मिलता है। बाकी सब बाहर के लोग जो शहर में आके बसा है, सबका क्या है, फ्लैट है ना, और क्या। शहर में घर बनाना बहुत ही महंगा होता है सर, ज़मीन का दाम स्काई रॉकेटिंग है, जमीन का दाम स्काई रॉकेटिंग है ना। अरे मैं एक दिन हिसाब लगा रहा था कि ये जो उल्टो का, करेंटली मैं जो केस्टुबल वीआईपी एरिया में नॉर्मली मैं बात कर रहा था, तो उल्टा डांगा से लेके आपको एयरपोर्ट तक, उल्टा डांगा से लेके एयरपोर्ट तक का जो एरिया है, इसमें कंपेरेटिवली सस्ता जगह केस्टुपुर है एयरपोर्ट तक। फिर भी केस्टुपुर में ही अगर जमीन किसी को लेना है तो दाम स्काई रॉकेटिंग। इसमें जो लोग लोकल हैं उनको और ज़्यादा नॉलेज है, आई थिंक ये बता सकता है आयन, आयन को आइडिया होगा। आयन क्या दाम है किश्तपुर में नॉर्मली, तेरे को आइडिया है? यस सर। फिर भी मोटा मोटी अगर किसी को मान के एक कट्ठा जगह लेना है, क्या दाम पड़ जाएगा? 20-25 सर। प्राइम लोकेशन हो तो? प्राइम लोकेशन हो तो 30-30 मैं मोटा मोटी वी आई पी के आसपास देख रहा, पूछ रहा था किसी को, तो बोलते हैं कि 45-50 लाख वन कट्ठा जगह। हाँ सर, सही बोला, समझ रहे हो सर, एक कट्ठा जमीन, ठीक है। अगर किसी को कट्ठा का हिसाब पता है तो वो समझ जाएगा। सो फिर भी ये किश्तपुर नॉर्मली इस एरिया में सबसे सस्ता है, और अगर आप एयरपोर्ट के आसपास देखोगे या फिर लेक टाउन वगैरह में जाओगे तो फिर वो और देखोगे, कटरा छू जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्यों नॉर्मली शहर में लोग घर बनाना बहुत ही महंगा होता है, ठीक है। नॉर्मल जो बात है वही मैं बताया, बाकी डिपेंड करता है जगह टू जगह, स्पेस प्लेस टू प्लेस। सो लोन मस्ट बी बोरोड फॉर कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन। कंडीशन थ्री, माने बेसिकली कभी कभी क्वेश्चन के अंदर आपको ना गुमराह करते हैं, क्वेश्चन ऐसा ऐसा देता है कि मिस्टर एक्स बोरोड लोन फॉर हिज डॉटर्स मैरिज, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन के अंदर दे देगा। तो वो बेसिकली ना आपको डाइवर्ट करने के लिए, मैंने हाउस प्रॉपर्टी लोन में बेटी के शादी के लिए लोन लिया, उसका कोई एक्चुअली यूज नहीं है हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशन पे। दिया तो दिया इग्नोर करो, मतलब मैरिज लोन का कोई काम नहीं यहाँ पर। सिर्फ जो लोन घर बनाने के लिए है वही लोन, गाड़ी का लोन भी कोई काम नहीं यहाँ पर। कार लोन लिया, कार का हिसाब है, हाउस प्रॉपर्टी में कोई हिसाब नहीं करेगी। हाउस प्रॉपर्टी लोन का हिसाब हाउस प्रॉपर्टी में, इसीलिए लोन मस्ट बी बोरोड फॉर कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन, ये जरूरी है। एंड कंडीशन थ्री, इसमें दो चीज है, एक कंस्ट्रक्शन मस्ट बी construction must be completed within 5 years from the end of the financial year,
in which the capital is, the capital was borrowed, in which the capital was borrowed. जिस साल आपने लोन लिया था, ओके, जिस साल आपने लोन लिया था, within 5 years from the end of the financial year in which the capital was, उस साल से, जिस साल लोन लिया उस साल से 5 साल के अंदर घर कंप्लीट कर लेना पड़ेगा. इसके साथ साथ प्लस ये कंडीशन के साथ साथ ये भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट फॉर सर्टिफिकेट फ्रॉम लेंडर, मैंने जिनसे लोन लिए, मैंने बेसिकली जो बैंक वाले हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाले हैं जिनसे आपने लोन लिए, सर्टिफिकेट फ्रॉम लेंडर स्पेसिफाइंग इंटरेस्ट पे, इंटरेस्ट समझ में आया सर. अगर आप ये कंडीशन फुलफिल कर देते हो तो आपको 2 लाख तक का एक्सटेंशन मिल सकता है, अगर नहीं करोगे तो 30,000 में चले जाओ मैक्सिमम. क्लियर हुआ सर बात? ये हाँ, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का कॉन्सेप्ट, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का कॉन्सेप्ट. अगर आप इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कर रहे हो इनकेस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी, अगर बोरोड कर रहे हो डिडक्शन विदाउट एनी लिमिटेशन, वट एवर अमाउंट इज पेड इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन. लेकिन अगर सेल्फ ऑक्युपाइड है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल विल बी अलाउड एज डिडक्शन अप टू 30,000, ओके, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. 30,000 कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 2 लाख इफ द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड. 3 कंडीशन आता है, लोन 1/4/99 के बाद लो, लोन कंस्ट्रक्शन एक्विजिशंस के लिए लो, लोन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 5 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द कैपिटल वाज बोरोड प्लस सर्टिफिकेट फ्रॉम लेंडर स्पेसिफाइंग इंटरेस्ट पेबल. अगर ऐसा है तो फिर आपको मैक्सिमम 2 लाख तक का डिडक्शन अवेलेबल हो सकता है, ठीक है, नहीं तो फिर से 30,000 कैटेगरी में ही चले जाओगे. ये सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए है सर, याद रखिएगा, ये जो मैं आपको बताया ये सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए, ठीक है. अगर अच्छा, ये 5 साल का हिसाब कुछ ऐसा होता है, मानो कि किसी ने डेट ऑफ बोरोइंग जो है, किसी का डेट ऑफ बोरोइंग मानो एग्जाम्पल के तौर से मैं आज का डेट ले लेता हूँ, ठीक है, मानो कोई डेट ऑफ बोरोइंग कर रहा है 20th May 2023, ठीक है, आज के डेट ही ले, तो ये कौन सा प्रीवियस ईयर का पार्ट है सर, 20 May 2023, कौन सा प्रीवियस ईयर का पार्ट है, थैंक यू सर, इज द प्रीवियस ईयर 23-24, है ना, मतलब फाइनेंशियल ईयर भी 23-24 ही हुआ, है ना, तो 23-24 में आपने लोन लिया तो ये इसको फाइनेंशियल ईयर में 23-24 ही बोलेंगे. इसके इसके बाद का 5 साल 23-24, 24-25, 25-26, 27-28, 28-29, 1, 2, 3, 4, 5, माने 31st March 2029 के अंदर आपका घर कंप्लीटेड हो जाना, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड हो जाना 31st March 2029 के अंदर, ठीक है. ये मैंने बेसिकली इस चीज का डेट वाइज दिखा लिया. फॉर एग्जाम्पल बोलो सर, यहां तक लिख लिए, यहां तक लिख लिए सर, हेलो, कंप्लीट हो चुका इतना तक, कुछ स्पेशल पॉइंट्स लिख लो सर, अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी का जो भी बेनिफिट है इसको पाने के लिए द एसेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी,
HP মানে হাউস প্রপার্টি দা অ্যাসেসি মানে অ্যাসেসি মানে যেটা ট্যাক্স ক্যালকুলেশন কর রে দা অ্যাসেসি মাস্ট বি দি ওনার অফ দি হাউস প্রপার্টি ব্র্যাকেট মধ্যে তো স্যার রেজিস্টার্ড অর ডিমড মানে চাই ও রেজিস্টার্ড ভি হয়ে সকতা হ্যায় और कभी कभी टीम डोनर का भी कॉन्सेप्ट आता है सर टीम डोनर माने सर टीम डोनर इज लाइक अगर मेन ओनर नहीं है तो उनके बिहाफ में कौन है लीगल रिप्रेजेंटेटिव या फिर मेन ओनर अगर फॉरेन में है तो जो केयर टेकर है ठीक है उनको टीम डोनर माना जा सकता है टीम माने मान लेंगे ठीक है जो घर घर का देखभाल कर रहा है या जो घर का ऑक्यूपेंसी में रखा है उनको टीम डोनर माना जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन सेकेंड पॉइंट rent received by way of subletting subletting samajhte ho subletting ka matlab samajhte ho ha sir abhi to batao sir না আমায় কেউ রেন দিয়েছে আমি আবার সেটা অন্য কাউকে রেন দিয়েছি থ্যাংক ইউ নবদীপ তুমি কি সিন তুমি কিসি সে ঘর রেন্ট পে লিয়া ফির ওই ঘর তুমি কিসি অর কো রেন্ট পে রখ দিয়া উসে সাবলেটিং বলতে হ্যায় মানে মেইন লেট আউট কা ভি অর সব সব লেট আউট ঠিক হ্যায় মানে কিসি সে ঘর রেন্ট পে লিয়া ফির উসি ঘর কো রেন্ট পে দে দিয়ে সে ফর এগজাম্পল জেসে ইয়ে বেঙ্গালোর মে ঘর থা ঠিক হ্যায় बैंगलोर का ये घर आपको 13,000 में मानो भाड़ा मिल गया ठीक है 13,000 का ये भाड़ा आपको 2 BHK मिला आप 13,000 ही भाड़ा इनको दे रहे हो ये आपका डायरेक्ट रेंट है 13,000 बट आप मानो किसी दूसरे बंदे को यही घर 15,000 में भाड़ा दे दिया तो ये जो 15,000 है ठीक है 15,000 पर मंथ ये आपका सबलेटिंग माना जाएगा क्योंकि इस घर का ओनर आप नहीं हो आप तो किराएदार हो आप तो किराएदार हो सर किराए पे रहते हो आप ओनर नहीं हो तो फिर आपने किसी को अगर रेंट पे दे दिया तो वो सबलेटिंग कहलाएगा ऐसे तो सबलेटिंग नॉर्मली आप नहीं कर सकते अगर ओनर का परमिशन है तभी कर सकते हो यानी जो मेन ओनर है वो किसी और को सबलेट करने का परमिशन दे तो हो सकता है अदरवाइज नॉर्मली सबलेटिंग पॉसिबल नहीं होता है ठीक है मैंने ऐसे नहीं किसी का बिना परमिशन का किसी का घर को थोड़ी ना आप किसी को भाड़ा दे सकते हो एक नॉर्मल सोचो है ना तो लीगल बात तो आ ही जाएगा तो 13,000 करके मानो आप रेंट देते हो 13,000 करके 10 महीने का सॉरी 12 महीने का कितना देते हो 13,000 करके अगर आप लेते हो तो 12 महीने का कितना दोगे सर बोलो ना 13,000 × 12 एकदम रियल लाइफ कैलकुलेशन चल रहा है बोलो बोलो 13,000 × 12 करके कितना रेंट दोगे बोलो सर 1,56,000 हेलो और अगर आप 15,000 करके 12 महीने का कितना कमाओगे हाँ सर 15,000 करके 12 मंथ का कितना कमा लोगे एक लाख 80,000 1,80,000 15K × 12 1,80,000 सर 1,80,000 आपका सबलेट करके आ रहा है और आप दे रहे हो 1,56,000 तो प्लीज टेल मी ये 1,56,000 किसका इनकम है मानो जिसका घर है ठीक है जिसका घर है उनका नाम है मिस्टर एक्स और आप हो मिस्टर वाई तो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को भाड़ा दिया और मिस्टर वाई ने मानो मिस्टर जेड को भाड़ा दिया माने आपने जिसको भाड़ा दिया वो मिस्टर जेड है तो आप मुझे इतना बताओ इस प्रॉपर्टी से एक्चुअली दो दो इनकम जनरेट हुआ है एक बार मिस्टर एक्स को 1,56,000 जनरेट हुआ है और मिस्टर वाई को भी 1,80,000 जनरेट हुआ है तो सर कौन सा इनकम किस हेड में जाएगा इसी प्रॉपर्टी से दो दो इनकम जनरेट हो गया सर 1,56,000 मिस्टर एक्स के हाथ में जनरेट हुआ और मिस्टर वाई के हाथ में 1,80,000 इनकम जनरेट हुआ
तो मैं आपको पूछ रहा हूँ क्या दोनों ही हाउस प्रॉपर्टी इनकम है? 1,56,000 যে পাচ্ছে তারটা তো হাউস প্রপার্টি ইনকাম, আর আরেকটা যে করতে সেটা তো মানে বিজনেস মনে হচ্ছে। থ্যাংক ইউ হ্যানা স্যার, ভেরি গুড স্যার। স্যার ইসকো মেইনলি अगर ये किसी का रेगुलर काम है लेट आउट सबलेट करना, नॉर्मली अगर रेगुलर काम है तो बिजनेस में जा सकता है, बट अगर रेगुलर नहीं करता, नॉर्मल कभी कभी करता है, कैजुअली करता है, तो अदर सोर्स में ट्रीट किया जाता है। तो अदर सोर्स में ट्रीट किया जाता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अच्छा, इसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितना होगा? 1,80,000 होगा। क्योंकि ये आपका हाउस प्रॉपर्टी नहीं है जिसको आप हाउस प्रॉपर्टी इनकम बता रहे हो। मिस्टर एक्स के हाथ में हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, मिस्टर वाई के हाथ में अदर सोर्स है। हाँ, अगर मिस्टर वाई यही काम रेगुलर में करता है, मतलब यही इनका मेन काम है आजकल, जैसे बहुत पॉपुलर वॉइस है, जैसे हमारे केस्टुकुरेनिया में, सॉल्ट लेक में है ना, न्यू टाउन साइड में भी एक पॉपुलर वॉइस है, घर भाड़ा लेके फिर उसको पीजी बना के कमा रहे हैं सर। तो बिजनेस हो गया ना, पीजी बिजनेस, पेइंग गेस्ट बिजनेस है ना। तो ऐसे बहुत लोग करते हैं सर, मानो कि ये प्रॉपर्टी ले लिया 800 square feet का, इसी घर में मानो कम से कम 6-7 बेड लगा दिया, ठीक है, 6 बेड लगा दिया, पर बेड में 6,000 करके ले रहा है, तो 6 × 6,000 36,000 कमा ले रहा है, 13,000 का खर्चा पड़ता है, 36,000 का कमा लेते हैं। हाँ, मेंटेनेंस भी देना पड़ता है, मान के चलो 36,000 से आप कम से कम 10,000 माइनस कर दो, 10,000 नहीं होगा फिर भी एक मोटा मोटा मैं माइनस करता हूँ, चलो अगर मैं इतना मान लेता हूँ कि 8,000 में उसका मेंटेनेंस वगैरह में खर्चा हो जाता है, 36,000 - 8,000 फिर भी कितना हो जाएगा, 24, 6 कितना हो रहा है सर, 28,000, यहाँ से 13,000 माइनस करो, कोई मोटा मोटी 15,000 के आसपास इनकम हो सकता है, कर रहा है सर। ये एक ट्रेंडी बिजनेस बना है, डिपेंड करता है आप जिस एरिया में हो, उस एरिया में ऐसा डिमांड है या नहीं है, पेइंग गेस्ट बिजनेस। जैसे कि नॉर्मली केशुपुर में ये बहुत फेमस बिजनेस है, केशुपुर में ये बहुत पॉपुलर है ड्यू टू सॉल्ट लेक एंड न्यू टाउन, दोनों केशुपुर के एकदम पॉकेट में है ना। तो और केशुपुर थोड़ा सा क्या है सर, सस्ता है, पुराना एरिया है, और यहाँ पर लोग रहते हैं, और यहाँ पर पीजी ये सब का बहुत इजिली डिमांड है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऐसे और भी जगह जैसे जो भी कोलकाता में पुराना एरिया में, जैसे कॉलेज स्ट्रीट एरिया में, ये सब बहुत पुराने कॉन्सेप्ट है ना, स्कूल कॉलेज ऑफिस वगैरह जहाँ भी होगा वहाँ पर पीजी वगैरह का डिमांड ऑलवेज रहता है, ये सब पुराने कोलकाता में कॉलेज स्ट्रीट में देखोगे सर। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। दमदम एरिया में तो और फेमस है, केशुपुर से भी ज़्यादा, दमदम एरिया तो बहुत भीड़ भाड़ का है, और कनेक्टिविटी से दमदम जैसा कोई जगह नहीं है कोलकाता, दमदम मेट्रो, दमदम रेल, वहाँ पर तो बहुत ही रिजनेबल कॉस्ट में मिल जाता है। तो ये जस्ट एक आइडिया दिया मैं आपको कि ऐसा होता है सर। तो आप यहाँ पर वही मैं आपको बता रहा हूँ कि रेंट रिसीव बाय वे ऑफ सबलेटिंग इज चार्जेड अंडर द हेड अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर रेगुलर करेगा तो पीजीबीपी हो सकता है, ठीक है, बट ये सब लोग बिजनेस के तौर पर नहीं दिखाते, अदर सोर्स में सिर्फ। तो अब ये अदर सोर्स का कॉन्सेप्ट आप फॉर एग्जाम्पल करके लिख लो, ठीक है। जैसे मैं आपको जो बता रहा था, मिस्टर एक्स इज अ ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, मिस्टर एक्स लेट आउट द हाउस टू मिस्टर वाई फॉर द रेंट ऑफ रुपीज 13,000 पर मंथ। कोई ओरिजिनल बैंगलोर वाला ले लिया सर,
13,000 per month. इसमें आप लिखो मिस्टर, इसमें इसके बाद आप लिखो मिस्टर वाई, मिस्टर वाई लेट आउट की प्रॉपर्टी टू मिस्टर जेड फॉर रुपीज 15,000 पर मंथ. ओके, इन दिस केस rent received by Mr. X, that is 13,000 into 12, कितना हुआ था सर? 13,000 into 12 equals to 1 lakh. कितना हुआ था रे? 1,56,000 is under the head house property. एकदम प्योरली हाउस प्रॉपर्टी इनकम है मिस्टर एक्स के हाथ में. सर्टिफिकेट अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी माने हाउस प्रॉपर्टी इनकम माना जाएगा. बट रेंट रिसीव्ड बाई मिस्टर बाई by way of subletting, by way of subletting 15,000 minus 13,000 into 12, and 2,000 into 12, kitna ho jata hai sir? 24,000. Is chargeable under other source. Is chargeable under the head. ठीक है, इतनी सी बात है. इस तरह से मैं आपको हाउस प्रॉपर्टी रिलेटेड एक बेसिक आइडिया दे दिया सर. क्या दे दिया? बेसिक आइडिया दे दिया कि हाउस प्रॉपर्टी क्या है, एक घर से क्या क्या इनकम डेवलप हो सकता है, ये सब आइडिया आप आज ले लिए. ठीक है सर, आज कुछ और भी आइडिया ले लो सर, कुछ और भी आइडिया ले लो जो जरूरी आइडिया होता होना चाहिए. जैसे कि अभी मैंने आपको धीरे धीरे थोड़ा सा ये जीएबी के बारे में बात करूंगा, कंप्यूटेशन ऑफ जीएबी. इसी में थोड़ा सा हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर आपको तंग करेगा. क्या करेगा सर? तंग करेगा. ऐसे अगर आप प्रॉपरली सुनोगे समझोगे तो कभी तंग नहीं करेगा, बट अगर आप कंसेंट्रेशन हटाओगे तो तंग करेंगे. ठीक है, तो तंग होने से बचने के लिए कंसेंट्रेशन जरूरी है. ठीक है, कंसेंट्रेशन जरूरी है. मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि ताकि आपको इजी वे में सिखाया जाए. हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर नॉर्मली सैलरी, पीजीपीपी, कैपिटल गेन, ये सबसे छोटा होता है इनकम टैक्स के अंदर. बट इस चैप्टर का एक ही चीज़ है कि थोड़ा पजल करता है स्टूडेंट, थोड़ा पजल करता है स्टूडेंट. तो पहले ना आप रूल को लिखो, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रैक्टिकल सिखाऊंगा. ओके, पहले आज रूल थोड़ा लिख लो सर. पेज पीछे कीजिए ना. हाँ सर बोलो. पेज पीछे करने बोला सर. हेलो, और भी पीछे करें सर. बोलो सर, हो गया सर? और एक और एक और एक पेज पीछे करें सर. और भी
सर हाउस प्रॉपर्टी में जीएवी कैलकुलेशन कैसे करें? हाउस प्रॉपर्टी में जीएवी कैलकुलेशन कैसे करें? या फिर आप ऐसे लिख सकते हो हाउ टू कैलकुलेट जीएवी। यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा दो हाउस प्रॉपर्टी फटाफट ड्रॉ कर दूं। सिटी घर हो गया सर, मैं तो आजकल एकदम पाब्लो पिकासो हो गया, 3D हाउस बना देना, आर्किटेक्ट बन जाऊंगा सच में, और बनाया आर्किटेक्ट तो आपको पता भी है आर्किटेक्ट क्या करता है, कुछ भी मौके जरूरत है। सॉरी सर, सर दो घर है सर, एक ये वाला भी एक हाउस प्रॉपर्टी है, ये भी एक हाउस। लेकिन दोनों हाउस प्रॉपर्टी मानो दोनों जगह सर, कोई भी दो एरिया मैं चूज कर सकता हूँ। फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक थोड़ा सस्ता जगह ले लेंगे और एक थोड़ा महंगा जगह, ठीक है सर? सस्ता जगह महंगा जगह कैसे चूज करेंगे आप? सर ये डिपेंड करता है लोकेलिटी के फैसिलिटीज, ठीक है, कहाँ कैसा है उसके ऊपर। तो जैसे मैं आपको मेरे लोकेलिटी से ही दो चीज दिखाता हूँ सर। आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो एरिया है कोलकाता का, ईस्ट कोलकाता का एरिया है सर। यहाँ पर आप देखोगे ये एरिया, अगर आप प्रॉपरली ख्याल करोगे सर, इस एरिया के अंदर तीन एरिया कवर होते हैं। एक तरफ है न्यू टाउन जो अभी अभी बना है सर, अभी अभी बना, ठीक ठाक से लोग रहते भी नहीं है प्रॉब्लम। ये आपका एक ओल्ड टाउन नहीं था, पहले गांव था, लेकिन क्योंकि ये सब न्यू टाउन शॉर्ट लेक बना तो ये भी शहर बन गया, दैट इज केस टू। पहले पंचायत ही हुआ करता, लेकिन लास्ट 15-20 सालों में, 25 सालों में, 30 सालों में जैसे जैसे शॉर्ट लेक डेवलप हुआ, न्यू टाउन डेवलप हुआ, तो ये पॉकेट एरिया भी डेवलप हुआ। वैसे ही पुराना एरिया है, यही ओल्ड एरिया है सर एक्चुअली। और ये रहा शॉर्ट लेक, न्यूटाउन को छोड़ो, शॉर्ट लेक और केस्टूपुर को देख लेते हैं सर, कहां प्रॉपर्टी वैल्यू ज्यादा होगा जल्दी बोलो। अरे प्रॉपर्टी वैल्यू कहां हाई होगा? केस्टूपुर में भी, शॉर्ट लेक में। सर ये कैसा सवाल है सर? नो डाउट शॉर्ट लेक में सर, क्यों? क्योंकि शॉर्ट लेक में इट्स अ वेल ऑर्गेनाइज्ड टाउनशिप, केस्टूपुर इज अ अनऑर्गेनाइज्ड टाउनशिप, ठीक है। सो माई पॉइंट इज दैट कि हम लोग ऐसा ही तो लोकेलिटी लेके काम करेंगे सर, लोकेलिटी बताना जरूरी था सर, ऐसे ही बोल देते हैं क्या फर्क पड़ जाएगा। तो से फॉर एग्जाम्पल ये आपका है मानो शॉर्ट लेक, ये है मानो ईस्ट, एग्जाम्पल है, दिल पे मत लेना सर, कोई अगर इमोशनल हो जाते हैं, मेरा जगह का वैल्यूएशन कम कर दिया। मानो कि शॉर्ट लेक में जो घर है यहाँ पर रेंट का वैल्यू, एक ऐसे ही बता रहा हूँ, म्यूनिसिपल वैल्यू मानो 70,000, ठीक है, हज़ार लिखने का जरूरत नहीं है, 70 करके लिखो। फेयर रेंट है मानो, अच्छा थोड़ा उल्टा कर दो तो सर, एक सेकेंड, इसको ना इसको आप लिखो 80, फेयर रेंट लिखो आप 85, और स्टैंडर्ड रेंट लिख दो सर 82। बताता हूँ सर क्या है, बताता हूँ, केस्टोपुर में लिख दो सर म्यूनिसिपल वैल्यू 70, फेयर रेंट 75 और स्टैंडर्ड रेंट मानो 80, ठीक है सर। ऐसे बाइफरकेशन के पीछे कारण बताया ना सर कि क्यों दो लोकेलिटी में डिफरेंसेस होता है,
अच्छा मैं दोनों एरिया इसलिए चूज किया, इसके पीछे भी और एक रीजन था, अगर मैं कोलकाता प्योर कोलकाता में होता तो वहां पर कोलकाता जैसे ये केएमसी एरिया है, दिस इज द केएमसी एरिया कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ दिस इज द बीएमसी माने विधाननगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इज ऑल्सो बीएमसी विधाननगर म्यूनिसिपल, पहले राजा राड में पढ़ता था बट अभी चेंज हो गया, तो भी बीएमसी, तो ये भी बीएमसी है ये भी बीएमसी है, दैट्स व्हाई मैंने ऐसा चूज किया। अगर मैं कोलकाता में दो लोकेलिटी ले लेता ठीक है तो ये केएमसी के अंदर होता, इधर दमदम भी है वो भी अलग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, साउथ दमदम नॉर्थ दमदम ऐसा होता है, तो मैं दो ऐसा सिमिलर लोकेलिटी लिया जहां पर कॉर्पोरेशन सेम है ठीक है, तो ये भी बीएमसी ये भी बीएमसी, विधाननगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ये भी विधाननगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ठीक है, तो इसीलिए कॉर्पोरेशन के ऊपर डिपेंड करता है ठीक, उस एरिया में क्या प्रॉपर्टी वैल्यू होगा, क्या उसका रेंट होना चाहिए ठीक है, ये जो रेंट का जो मैं आपको रेंट का जो मैंने आपको वैल्यू यहाँ पर पुट किया, ये बेसिकली म्यूनिसिपल वैल्यू, एमवी माने म्यूनिसिपल वैल्यू, एफआर माने फेयर रेंट, माने इस एरिया में फेयर रेंट क्या चल रहा है, फेयरली ऐसा चल रहा है, स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए, ऐसा तीन तीन वैल्यू आपको एग्जाम में क्वेश्चन में भी दिया जाएगा ठीक है, कि इस एरिया में म्यूनिसिपल वैल्यू क्या है, इस एरिया में प्रॉपर्टी का फेयर रेंट क्या है ठीक है, ये सब आप रुपीज इन थाउजेंड भी फिल कर सकते ठीक है, एनुअल वैल्यू ठीक है। अब यहाँ पर ये एग्जाम्पल है म्यूनिसिपल वैल्यू 80,000, फेयर रेंट 85,000, स्टैंडर्ड रेंट 82,000, यहाँ पर म्यूनिसिपल 70, फेयर रेंट 75, स्टैंडर्ड रेंट 80 ठीक है। सर इसमें से क्या कैलकुलेट क्या करना है, सर जीएबी कैलकुलेट करना है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगा, कैसे करें सर, इसको करने के लिए ना कुछ स्टेप फॉलो करना पड़ता है, तो मैं आपको जो पहला स्टेप बताने जा रहा हूँ इसका नाम है सर आर ई आर, क्या बताने जा रहा हूँ सर आर ई आर, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, शॉर्ट लेक एंड केस्टूपुर के घर का जीएबी एज पर द म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट, तो सबसे पहले ना कैलकुलेट करना पड़ेगा आर ई आर, आर ई आर माने रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट सर मैंने बेसिक क्या होता है, रीजनेबली एक्सपेक्टेड क्या रेंट हो सकता है इस एरिया में, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करो म्यूनिसिपल वैल्यू, एमवी माने म्यूनिसिपल वैल्यू ठीक है, विद एफआर, एफआर माने फेयर रेंट, कंपेयर म्यूनिसिपल वैल्यू विद फेयर रेंट, आप शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखा आप पूरा लिख दो सर, नहीं तो बाद में सोचो कि सर क्या एमवी एमवी लिखाया था समझ में नहीं आता, म्यूनिसिपल वैल्यू और इधर लिख लो एफ आर फेयर रेंट ठीक है, तो कंपेयर एनबी विद एफ आर, टेक द हायर, टेक हायर एंड सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट सर ये क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ सर, बहुत सिंपल है, चलो किश्तपुर का कर लो, क्या होगा आर ई आर 70-75 विच इज हायर, जल्दी बोलो 70-75 विच इज हायर म्यूनिसिपल और फेयर रेंट 75, हेलो थोड़ा मदद करो सर, 75 and 70 and 75 में which is higher, 75 standard rent 80 subject to standard rent माने which is lower, माने 70 और 75 में जो higher है उसको choose करो और 75 और 80 में जो lower है उसको choose करो, तो 75 और 80 में कौन lower है, 75 is the lower, तो आपका RER होगा 75, आपका reasonable expected rent होगा 75, बोलो सर केस्टुपुर वाले घर का आरियर हो जाएगा 75, बात समझ में आया, एमबी एफआर में कंपेयर करो, टेक दी हायर वन सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, मतलब व्हिच इज लोअर, स्टैंडर्ड रेंट और
इन दोनों में जो हायर होगा उसमें से जो लोअर होगा उसमें से जो लोअर होगा वो आपका हो जाएगा आर ई आर। प्लीज टेल मी सर, थोड़ा अटपटा सा लगेगा अभी बट धीरे धीरे हैबिट हो जाएगा, अभी थोड़ा अटपटा सा लगेगा बट धीरे धीरे हैबिट हो जाएगा कैलकुलेट करते करते। सिमिलर कॉन्सेप्ट में आप शॉर्ट लेग वाला आर ई आर बता दो मुझे एक बार। कौन लोअर है? 82 और 85 में। सर ये आर ई आर हुआ, जी ए बी नहीं हुआ। दिस इज नॉट द जी ए बी, दिस इज जस्ट आर ई आर। अब हाउ टू कैलकुलेट आर ई आर सर? अब आर ई आर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आर ई आर कैसे कैलकुलेट होगा ये तो देख लिया आपने, इसी तरह से करना होगा एग्जाम में आपको। अच्छा अब कोई बोलेगा सर मानो एग्जाम सिचुएशंस में या फिर जब क्वेश्चन आंसर करेंगे, मानो क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ एम डी एफ आर है, एस आर नहीं है, तो जो हायर होगा वो लेंगे, या फिर डायरेक्टली दे दिया स्टैंडर्ड रेट तो वही होगा। अगर सिर्फ म्यूनिसिपल वैल्यू है तो वही होगा, अगर पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है सिंगल इंफॉर्मेशन से उसी को मानेंगे। ठीक है, आगे आगे ऐसे सिचुएशंस आपको मिल सकता है। अब सर आगे देखो, मैं आपको और एक सिचुएशन क्रिएट करता हूँ। मैंने एक और एक प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जाम्पल इन लेक टाउन। ठीक है, लेक टाउन में एक प्रॉपर्टी है जिसका म्यूनिसिपल वैल्यू है 75, फेयर रेंट मानो 80, सब 1000 में सोच सकते हैं, स्टैंडर्ड रेंट है 90। दे आर आस्किंग यू स्टेप वन कैलकुलेट करो, एग्जाम्पल वन बोल के लिख देते हो, एग्जाम्पल टू भी लिख सकते हो। स्टेप वन बोल के लिखो आर ई आर कैलकुलेट करना है एंड ऑल्सो कैलकुलेट स्टेप टू ए आर आर। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट आएगा, ये जो लेकटाउन वाला प्रॉपर्टी है इसमें थोड़ा ट्विस्ट आने वाला है। ठीक है सर, लेकटाउन वाला जो प्रॉपर्टी है इसमें क्या ट्विस्ट आएगा चलो बताते हैं। इसमें ये ट्विस्ट है सर लेकटाउन वाले प्रॉपर्टी में कि यहाँ पर आपको क्वेश्चंस के अंदर एनुअल रेंट भी दिया है, मैंने सालाना आपका घर का भाड़ा क्या रहेगा वो भी बोला है। फॉर एग्जांपल 8000 करके भाड़ा है 12 मंथ का, कितना हो जाएगा एनुअल रेंट? सर 96,000। ओके हेलो 96,000, मैं लेक टाउन का बात कर रहा हूँ सर, समझ रहे सर? ये देखो लेक टाउन का जो सेंटर है था ना हम लोगों का, वो दिखा रहे हैं हम बस। ठीक है, तो ये लेक टाउन वाले ब्रांच मतलब एरिया में आपका दिखा रहा है, लेक टाउन वाले एरिया में आपका दिखा रहा है। तो मैं बस कहना ये चाहता हूँ कि लेकटाउन में 8000 करके 12 महीने का 96,000। यस, लेकिन किंतु परंतु ट्विस्ट आ रहा है सर। जरूरी थोड़ी है कि आपको पूरा साल भर का भाड़ा मिलेगा, कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि भाड़ा नहीं मिल रहा है, तो जो भाड़ा नहीं मिलेगा उसको अनरियलाइज्ड बोलते हैं। मैंने कभी कभी घर घर में बंद घर रेंट भी दिया है बट अभी तक रियलाइज नहीं हुआ। मैं यहाँ पर जानबूझ के अनरियलाइज्ड को नील रखता हूँ, नील माने
सारा रियलाइज हुआ है। कभी कभी घर वैकेंसी भी हो सकता है, कभी कभी घर वैकेंसी भी हो सकता है, बट मैं यहाँ पर जान बुझ के वैकेंसी को भी नहीं लगता हूँ, मैंने वैकेंसी नहीं है, सारा साल भर घर का भाड़ा मिला। सर कहना क्या चाहते हो? सर कुछ नहीं चाहते, बस आपको सिचुएशंस बता रहा हूँ सर। सॉरी, ये कितना था स्टैंडर्ड रेंट? 90 ना। मैं आपको बस सिचुएशंस क्रिएट कर रहा हूँ, अब देखो कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर मैं एनुअल रेंट लिया, यहाँ पर मैंने एनुअल रेंट लिया, एनुअल रेंट 96,000 है, अनरियलाइज्ड भी नील है, वैकेंसी भी नील है। सर अगर होता, अगर अनरियलाइज्ड का कोई वैल्यू होता, आगे आगे दिखाऊंगा, वैकेंसी का भी कोई वैल्यू होता, तो एनुअल रेंट और एक्चुअल रेंट ऑब्वियसली सेम ना होता। हाँ या ना? आपका घर का भाड़ा 98,000 करके 12 मंथ का 96,000 एनुअली हुआ है। अगर कोई ऐसा होता कि आपका आपका कुछ भाड़ा अनरियलाइज रहा है, अगर ऐसा होता कि आपका भाड़ा वैकेंट रहा है, वैकेंसी रहा है, हेलो, है ना, भाड़ा वैकेंट रहा है, मतलब घर का भाड़ा घर खाली है तो रेंट नहीं मिला, तो अगर रेंट नहीं मिला तो उस मंथ का भाड़ा नहीं मिलता, तो लॉस होता ना वैकेंसी के कारण, बिजनेस को मतलब हाउस प्रॉपर्टी को लॉस होता है। बट मैं यहाँ पर जानबूझ के नील रखा, मैंने कुछ बैलेंस नहीं दिया, लेकिन अगर होता ना तो आपका एनुअल और एक्चुअल में डिफरेंस होता। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सेम रख देता, यानी जो आपका एनुअल है वही आपका एक्चुअल बन गया, लेकिन ये चेंज भी हो सकता है, डिपेंड करता है अनरियलाइज्ड और वैकेंसी पे। आगे जाके ये अनरियलाइज्ड और वैकेंसी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशंस क्रिएट करेगा एग्जाम क्वेश्चंस में, या जब भी हम लोग हार्ड क्वेश्चंस में आएंगे, यही अनरियलाइज्ड और वैकेंसी का कॉन्सेप्ट आपको तंग करेगा। मैंने तंग करेगा मैंने बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ आपको थोड़ा समझना है। फिलहाल मैं इसको नहीं दिया क्योंकि अभी हम लोग बेसिक लेवल में है, तो मैं ज्यादा इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहता, ठीक है। अब ध्यान से देखा, मुझे बता दो सर कि आपका स्टेप वन क्या होगा, लेकडाउन प्रॉपर्टी का आरईआर यानी रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा सर? सनोन 75-80 टेक दी हायर। हाँ सर, सर इन दोनों में से जो हायर है वो लेना है ना सर, 80 तो 80 और सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड मतलब विच इज लोअर, कौन सा लोअर है? 80 तो आंसर क्या होगा? 80। समझ में आया? MBFR टेक द हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट विच इज द लोअर, MBFR टेक द हायर म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट में जो हायर है उसे लेना है, और उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करना है, जो कम है उसको लेना है। 80 और 90 में 80 कम है तो वही लेंगे। इसी तरह से होता है सर, इसी तरह से होता है, आदत हो जाएगा, डोंट वरी बी हैप्पी, आदत हो जाएगा। सर ARR क्या होगा? सर ARR तो समझाए नहीं आप, सर समझाते हैं, चलो ARR समझा देते हैं, लेकिन आई थिंक आपको RER का क्लियर है, RER क्लियर है ना सबको? अब ARR बताने जा रहे हैं सर, जिसे स्टेप टू कहते हैं, जिसे स्टेप टू कहते हैं, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा स्टेप टू की कहानी ARR। सर ARR का मतलब होता है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। ध्यान से सुनिएगा बात को, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल।
ठीक है। तो इसमें एक इफ भी जोड़ दो, इफ एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इज ग्रेटर देन या मोर देन, ठीक है, ग्रेटर देन और मोर देन स्टेप वन। स्टेप वन माने आर ई आर, इफ एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इज मोर देन और ग्रेटर देन एक ही बात है, स्टेप वन। देन स्टेप टू एप्लीकेबल। पॉइंट टू बी नोटेड, स्टेप टू का मतलब होता है ए आर आर जो कैलकुलेट कर रहे हो। दिस इज द स्टेप टू, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल कैलकुलेट करना ही स्टेप टू कैलकुलेट करना होता है। इफ एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इज ग्रेटर देन स्टेप वन, माने आर ई आर जो आप लोगों ने अभी कैलकुलेट करना सीखा, तभी स्टेप टू एप्लीकेबल होते हैं। डोंट वरी, अभी थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा, बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे आदत सा लग जाएगा सर, धीरे धीरे आदत सा लग जाएगा। ए आर आर ग्रेटर, अच्छा सॉरी एक सेकेंड, ये साथ में लिख दो सर। तो बेसिकली क्या होता है, ए आर आर इज स्टेप टू, बेसिकली ए आर आर इज स्टेप टू। ए आर आर माने actual and received and receivable is step 2. If actual rent received or receivable is less than step 1, then step 2 not applicable. अगर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल स्टेप वन से कम रहेगा, माने आर ई आर से कम रहेगा, तो स्टेप टू एक्चुअली एप्लीकेबल नहीं होता है। इसको अगर आप इक्वेशन के बेसिस में लिख के रखोगे तो लिख के रख सकते हो, आगे क्वेश्चन करवाऊंगा और क्लैरिटी मिलेगा सर। ए आर आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर ई आर, ए आर आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर ई आर, स्टेप टू क्या हो जाएगा, ए आर आर। ARR का वैल्यू, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल का वैल्यू अगर रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है तो स्टेप टू आएगा, और स्टेप टू क्या होगा, ARR का वैल्यू ही स्टेप टू होगा, ठीक है। अगर ARR RER से कम हो जाता है, नॉर्मली तभी होता है जब अनरियलाइज्ड वैकेंसी वगैरह होता है, देन स्टेप टू नॉट एप्लीकेबल हो जाते हैं। इसलिए एक बार याद रखना, ARR कैलकुलेट करने के लिए हमेशा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग नॉर्मली एनुअल रेंट से अनरियलाइज्ड को एंड वैकेंसी को माइनस करके देखेंगे। अगर अनरियलाइज्ड है, वैकेंसी है, तो माइनस होगा, अगर नहीं है तो नहीं, ठीक है। तो अब आपको मैं क्वेश्चंस पे लेके आ जाता हूँ, जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे, लिख टर्म वाला प्रॉपर्टी। देखो सर, जरा एनुअल रेंट 96, अनरियलाइज्ड नील, वैकेंसी नील, एनुअल और एक्चुअल सेम हो गया, स्टेप टू क्या होगा, बोलो सर, स्टेप टू क्या होगा, दिस इज द एक्चुअल, बोलो 96, थैंक यू सर। अगर अनरियलाइज्ड वैकेंसी होता तो मे बी ये एक्चुअल रेंट का वैल्यू स्टेप वन से कम हो सकता था, मे बी, डिपेंड करता है कितना अनरियलाइज्ड है, डिपेंड करता है कितना वैकेंसी है। बट अगर ऐसा हो तो स्टेप वन स्टेप टू एप्लीकेबल नहीं होगा, बट इन दिस केस ए आर आर इज एप्लीकेबल बिकॉज 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 ए आर आर इज ग्रेटर देन स्टेप वन, ए आर आर स्टेप वन से बड़ा है तो स्टेप टू एप्लीकेबल होगा, इसलिए ए आर आर इज स्टेप टू है, ए आर आर इज स्टेप टू है। अगर ये ARR का वैल्यू छोटा होता तो स्टेप टू एप्लीकेबल नहीं होता। डोंट वरी, आगे बताता हूँ, मैंने जीएबी कैलकुलेशन के लिए आपको ये सब चीजें जानना पड़ेगा कि कैसे आपको ARR कैलकुलेट करना है, कैसे आपको RER कैलकुलेट करना है। सर अभी भी जीएबी नहीं आया, यस सर नहीं आया,
अभी तक हम लोग जीएबी तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि अभी तक हम लोग स्टेप वन स्टेप टू में ही अटक रखे। एक लास्ट स्टेप है सर, स्टेप थ्री। हाँ सर, एक लास्ट स्टेप है, दैट इज जीएबी स्टेप थ्री। सर सेम कॉन्सेप्ट, सेम एग्जांपल ले रहा हूं। लेटडाउन वाला, लेटडाउन प्रॉपर्टी का एग्जांपल ही मैं यूज कर रहा हूं, बट थोड़े मॉडिफिकेशन के साथ। लेटडाउन प्रॉपर्टी का मानो एनुअल रेंट जो था 8000 करके 12 मंथ्स का 96,000। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम एग्जांपल को फॉलो कर रहे हैं। वैकेंसी, मानो कि वैकेंसी है थ्री मंथ का अगर वैकेंसी है तो कितना लॉस हो जाएगा सर? अगर 24,000, थैंक यू सर, 8,000 करके 3 मंथ का 24,000 का लॉस हो जाएगा, है ना? वेरी सिंपल सर, अनरियलाइज्ड में कुछ नहीं दे रहा हूं अभी, ठीक है? मैं अनरियलाइज्ड भी नहीं दे रहा हूं क्योंकि अनरियलाइज्ड का थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग है, बाद में बताता हूं सर। एक साथ खिचड़ी नहीं पकाना है, आप लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कट रखना है। तो सर आप बताओ मुझे, एक्चुअल रेंट आपको कितना मिला? थैंक यू, 72,000 मिला, 72। अगेन लेटडाउन प्रॉपर्टी का सेम वैल्यूएशन ले रहे हैं। स्टेप वन कितना है? टेक इट फ्रॉम द लास्ट एग्जांपल। स्टेप वन 80। हेलो, बट द क्वेश्चन इज नाउ, क्या स्टेप टू आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा बोलो सर। यार लेस देन इज आर यार। थैंक यू सर। स्टेप टू नॉट एप्लीकेबल बिकॉज एक्चुअल रेंट यानी एआरआर, जो एक्चुअली इसको एआरआर नहीं बोल सकते अभी, इसको एक्चुअली अभी नहीं बोल सकते बिकॉज एआरआर तभी बोलते अगर वो होता तो। एक्चुअल रेंट लेस देन स्टेप वन है, ये 72,000 का है, ये 80 का है, कम हो गया, तो स्टेप टू नहीं आएगा। नाउ द क्वेश्चन इज दैट, ये क्यों नहीं आया, ये किस लिए नहीं हो पाया? ड्यू टू वैकेंसी। जब ड्यू टू वैकेंसी ऐसा होता है तो स्टेप थ्री आ जाता है। स्टेप थ्री पिक्चर में तभी आता है जब स्टेप टू ड्यू टू वैकेंसी नहीं आता है, और ड्यू टू वैकेंसी स्टेप एक्चुअल रेंट स्टेप वन से जब कम हो जाते हैं तभी स्टेप थ्री पिक्चर में आते हैं। नाउ क्वेश्चन इज दैट, से स्टेप थ्री कैलकुलेशन कैसे करेंगे, है ना? ये पता नहीं अभी तक, तुक्का नहीं लगाना है सर। मैंने कई बार ना रैंडमली पुट हो जाता है, बट उसको विश्वास ना करना, आप स्टेप फॉलो करना, स्टेप का प्रोसेस को फॉलो करना। मैं बताता हूँ, लिखो स्टेप थ्री। If actual rent received or receivable is less than step one, less than equals to step one, step two not applicable. NA. But if such a decline is due to vacancy, not by any other reason, then step 3 come into the picture.
step 3 come into the and basically a basilica step 3 applicable step 3 applicable now the big question how to calculate step 3 effective compare annual rent ध्यान से सुनना annual rent हाँ actual और annual में फर्क हो सकता है annual rent लेकटाउन का 96,000 है 8,000 करके but actual में आपको 72 मिला है compare annual rent with step one माने RER take higher and less less या deduct loss due to vacancy and deduct loss due to vacancy अब now जो मैंने आपको बताया आप इसे करो annual rent 96,000 है एनुअल रेंट के साथ स्टेप वन को कंपेयर करो सर कंपेयर एनुअल रेंट विथ स्टेप वन टेक द हायर बोलो सर 96 डिडक्ट करो लॉस ड्यू टू वैकेंसी कितना लॉस है ट्वेंटी फोर आंसर कितना आ रहा है 72 दिस इज दिस This should be your step 3. अब सर कोई बोलेगा सर एक्चुअल रेंट भी तो 72 हुआ था सर ऐसा तुक्का नहीं करें ये तो हो गया मैथमेटिकली बट ये भाई रूल गलत हो जाएगा कभी भी ऐसा नहीं होता है ठीक है कहीं दूसरा सम्स में मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट अलग हो सकता है आप ऑलवेज मेथड फॉलो करना जो मैंने आपको बताया एनुअल रेंट को कंपेयर करना स्टेप वन के साथ लॉस ड्यू टू वैकेंसी को माइनस करना ठीक है हो सकता है कभी कभी ऐसा मैच कर जाए पर उसको रैंडम मतलब वो तुक्का हो जाएगा सर ऐसा नहीं करना चाहिए आपको रूल फॉलो करना चाहिए बिकॉज ये रूल बेस्ड कॉन्सेप्ट है यू मस्ट फॉलो द रूल्स तो स्टेप 3 72 स्टेप 3 72 तो सर ये भी क्या हो जाएगा लेटेस्ट वैल्यू जो है लेटेस्ट वैल्यू तो लेकटाउन प्रॉपर्टी का जीए भी क्या हो जाएगा स्टेप 3 स्टेप 3 इज द जीए सर अगर किसी का लेटेस्ट स्टेप 2 है तो स्टेप 2 हो सकता है जीए सर अगर स्टेप 2 का कोई डेटा नहीं है तो स्टेप 1 ही जीए समझ रहे सर आगे आगे बताएंगे और ये तो बस अभी शुरुआत है नेक्स्ट क्लास में आपको If there is unrealized value with vacancy, दोनों एक साथ भी हो सकता है कुछ value unrealized रह गया और vacancy भी है unrealized मैंने मिला नहीं भाड़ा और साथ में vacancy भी है तब क्या होगा so this is also step 3 का ही part है ये भी स्टेप 3 का ही मैंने क्या बताओ सर इसको स्टेप 3 सेकंड कंडीशन जब आप देखोगे कि अनरियलाइज्ड भी है और वैकेंसी भी है तब क्या होगा ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा और नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स और भी क्वेश्चन आंसर मैं आपको बताऊंगा नॉर्मली जीए भी कैसे कैलकुलेट होता है आइडिया मिल चुका है नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन करने के साथ साथ आपको जीएबी में पूरा ग्रिप आ जाएगा फिर जीएबी हाउस प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं धीरे धीरे समय थोड़ा लगेगा बट हाँ सैलरी से कम समय लगेगा ये चैप्टर को कंप्लीट करने में ओके सर क्लियर है सर बोलो
হ্যাঁ স্যার। ওকে নবনীল, নীল, অয়ন, শ্যানন, পিঙ্কি, শালিনী, বোঝা গেছে তো? ओके सर, ठीक है सर, आज इतना ही है, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं ट्यूसडे और वेडनेसडे। गुड नाइट सर, अपना। गुड नाइट सर, गुड नाइट, बाय सर। बाय सर, टाटा। बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। ওইটা ওইটা পাঠিয়ে দেন আমাকে কালকে কোম্পানি লটা। কালকে ক্লাসটা কি কালকেটা কি আমি আপলোড করিনি এখনো? না, কোম্পানি লট।